एक पिता की डायरी में लिखा था, मेरा बेटा तब तक मेरा है जब तक उसे पत्नी नहीं मिल जाती, लेकिन मेरी बेटी तब तक मेरी है जब तक मेरी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। एक टेलीविजन शो में सुना था, पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है, पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। मेरा एक बहुत खास दोस्त है जो बताता है कि कैसे उसका परिवार गांव से शहर आया। उसके पापा ने किसी से 100 रुपये उधार लिया था। 90 के दशक में 100 का वैल्यू लगभग अभी के 20,000 के बराबर होगा। घर का खर्च उठाने के लिए उसके पापा एक फैक्ट्री में काम करने लगे। मेरा दोस्त बताता है कि कैसे उसके पापा सुबह 4 बजे उठकर फैक्ट्री में काम करने जाते थे। जब घर पर लोड बढ़ता था तो वो बर्फ भी बेचा करते थे। कुछ समय के मेहनत के बाद उन्होंने जॉब छोड़ दिया। उनके अंदर हुनर था और लगन भी। उन्होंने कड़ी मेहनत की और सफलता पाने के लिए एक रिस्क लिया और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। अभी परिवार की स्थिति पहले से काफ़ी अच्छी है। सभी बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया और आज अपना खुद का मकान भी बना लिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज के बच्चे क्यों अपने माता पिता को अनाथ आश्रम भेज देते हैं? क्यों बूढ़े होने पर अपने पेरेंट्स की थाली अलग कर देते हैं? हम क्यों उन्हें अकेला छोड़ विदेश चले जाते हैं? हमें क्यों याद नहीं रहता कि जब हम छोटे थे उन्होंने हमारे लिए, हमारे सपनों के लिए कितना सैक्रिफाइस किया है? मैं मानता हूं कि हमारा जनरेशन अलग है। कभी कभी या अक्सर हमारे विचार बिल्कुल मेल नहीं खाते और ऐसे में तकरार भी होने लगता है। लेकिन एक पुत्र होने के नाते हम अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकते और यह बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। वीडियो के अंत में मैं नीतीश प्रकाश सूर्य आपसे हाथ जोड़कर बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पिता ने जो किया सो किया, पिता ने जो किया सो किया, अब तुम्हारी बारी है। ध्यान से सुनना, पिता ने जो किया सो किया, अब तुम्हारी बारी है, पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो, पिता का अपमान नहीं उन पर अभिमान करो, क्योंकि माँ बाप की कमी कोई पाट नहीं सकता और ईश्वर भी उनके आशीषों को काट नहीं सकता। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करें। इस तरह की और कहानी और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए द रैंडम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।